हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है निक्सी ट्यूब। तो निक्सी ट्यूब हम पढ़ रहे हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन का लास्ट स्टेज होता है टू डिस्प्ले द एनी आउटपुट ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें हम निक्सी ट्यूब देख रहे हैं। निक्सी ट्यूब जो है, मतलब कि ये अब आज की डेट में बहुत कम यूज होता है, ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। लेकिन एलईडी के एडवेंट होने से पहले जब कुछ भी डिस्प्ले के लिए मतलब लोग ढूंढ रहे थे साइंटिस्ट की क्या चीज है जिससे कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हमने तब जो है आपका किसी साइंटिस्ट ने जो है निक्सी ट्यूब का इन्वेंट किया था। तो निक्सी ट्यूब मतलब एक तरीके से एक वैक्यूम वो होता है, आपका वैक्यूम केस होता है। इसके अंदर वायर्स होते हैं जिनको कि हम कैथोड, मतलब कैथोड के फॉर्म में वो अरेंज होते हैं आपके वायर्स। और वायर्स जो है वो आपके 0 से लेके 9 डिजिट के फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं। और सारे कैथोड को हम जो है एक सप्लाई देते हैं, और फिर हम एनोड को जो है पूरे वायर का जो मैश होता है एनोड का, उसको हम दूसरे साइड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैथोड को जब हम सप्लाई देते हैं 170 से लेकर के 250 वोल्ट, 172 to 250 वोल्ट की सप्लाई हमको जब कैथोड को हम देते हैं, तो कैथोड के आसपास की जो गैस होती है, चूंकि ये वैक्यूम है और वैक्यूम के अंदर जो है नियॉन गैस रहती है, तो नियॉन गैस जो है आयनाइज हो जाती है। और आयनाइजेशन के कारण जो होता है वो आपका जो भी न्यूमेरिक होता है, जिसको भी कैथोड को आपने सप्लाई दी है, तो वो न्यूमरल्स जो है आपका ग्लो करने लगता है। मतलब वो आपका ऑरेंज ह्यू टाइप का दिखता है, उसमें ऑरेंज कलर टाइप के इसमें जो है जो डिस्प्ले आता है वो ऑरेंज कलर का आता है, और वो वाला जो न्यूमेरिक है वो आपका डिस्प्ले होने लगता है। तो मतलब इसका जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है निक्सी ट्यूब का, वो है ग्लो डिस्चार्ज। ग्लो डिस्चार्ज इसमें कि क्या होता है कि आप कैथोड को जब आप बहुत हाई सप्लाई देते हैं, यानी कि 170 से 250 वोल्ट तक की, तब जो उसके आसपास की गैस है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइजेशन के कारण क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर जो कैथोड है वो आपका जो भी न्यूमेरिक फॉर्म में होता है वो डिस्प्ले होने लगता है। और इसमें ये जो आपके न्यूमेरिक होते हैं 0 से 9 है, वो एक के ऊपर एक जो है अरेंज होते हैं, स्टैक्ड होते हैं एक के ऊपर। और इट इज अ नॉन प्लानर डिवाइस, ये नॉन प्लानर डिवाइस है। और आज की डेट में ये एब्सोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई सप्लाई आपको देनी पड़ती है। जैसे कि हमारा एलईडी की हम बात करें, तो एलईडी जो है हमारा बहुत कम वोल्ट पे काम कर लेता है, लेकिन ये जो निक्सी ट्यूब है इसमें हमको 170 से 250 वोल्ट हम इसमें देना पड़ता है। और फिर इसकी जो लाइफ है वो भी इसकी बहुत ज्यादा लाइफ इसकी कम होती है, लाइफ स्पान इसका बहुत कम होता है। और दूसरा ये स्लो डिवाइसेस है, ये इसको क्या है वार्म अप होने में टाइम लगता है, थोड़ी स्लो डिवाइसेस है ये आपकी। तो इस तरीके से ये जो है आपका निक्सी ट्यूब जो है वो आज की डेट में बहुत कम यूज हो रही है। अब जो है हम एलईडीज यूज करते हैं, लेकिन निक्सी ट्यूब जो है कहीं पर जो जहां पर आपको ब्यूटीफुलनेस दिखानी होती है, वहां पर हम ये निक्सी ट्यूब्स का एज ए डिस्प्ले उसको अरेंज कर देते हैं। बाकी ये निक्सी ट्यूब का जो है अब यूज बहुत कम हो चुका है।